हैप्पी दिवाली दोस्तों। तो देखिए, मैं इस तरीके से दिवाली मनाई हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए, उनको छुट्टी नहीं मिला, तो आज मैं पहले तो बहुत दुखी हुई सुबह सुबह, फिर मैं सारे कामों में लग गई क्योंकि आज दिवाली है, बच्चे भी उदास हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से दिवाली मैं मनाऊँगी। मैं फिर रंगोली में भी सजाना है। और ये देखिए, इतना सारा आम का पत्ता लेके आई हूँ जिसका तोरण बनाऊँगी अभी मैं दरवाजे पे लगाने के लिए। ये है शाम का समय और मेरा भाई बोला था कि मैं रंगोली बना दूंगा, लेकिन वो चला गया अपनी नानी के घर। तो मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। मैं पहले कभी भी रंगोली नहीं बनाई थी दोस्तों, पहली बार बना रही हूँ, वो भी मोबाइल से देख के बना रही हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से। और बाद में देखिएगा आप लोग, ये बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होता है लक्ष्मी माँ की कृपा से। देखिए, इस तरीके से मैं रंगोली बना रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत रंगोली ये बनेगी। आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, एक छोटा बच्चा भी बना सकता है ये रंगोली। तो मैं उधर तोरण भी बना ली हूँ आम के पत्ते का, मेरे पास फूल भी नहीं थे। अब कल ही मैं इतना थक गई थी और मुझे लगा था कि मेरे हस्बैंड आएंगे, पर वो आए नहीं। अगर वो आते तो सब कुछ लेके आते, तो मैं फूल, गेंदे का फूल नहीं लेके आ पाई थी। तो ऐसे ही आम के पत्ते में मैं हल्दी और रोली लगा के बनाई हूँ तोरण। बहुत ही खूबसूरत तोरण लग रहा है देखने में, आप लोगों को मैं वो भी दिखाऊंगी। पहले आप लोग रंगोली देख लीजिए कि कैसे मैं रंगोली बना रही हूँ। जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही मैं बना रही हूँ। स्वास्तिक भी बनाई हूँ मैं सिंदूर और घी मिला के, इसलिए मेरा हाथ एकदम लाल लाल दिख रहा होगा आप लोगों को। मेरा हाथ एकदम रंग गया है दोस्तों सिंदूर से। देखिए, ये बहुत ही आसान है, मैं बार बार मोबाइल देख के बना रही हूँ। एक हाथ में मेरे मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं रंगोली बना रही हूँ। और दोस्तों, ये जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है कि राम आएंगे, ये भजन किस किस को पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ये म्यूजिक लगाई हूँ। तो दोस्तों, मोबाइल में वीडियो में इतना ही रंगोली था, तो इसे मैं अपने तरीके से बढ़ा के इस तरीके से बनाई हूँ। देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और जब इसमें मैं दिया लगा दूँगी तो और भी खूबसूरत लगेंगे। और तोरण देखिए, मैं इस तरीके से बनाई हूँ, तोरण भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बाहर स्वास्तिक बनाई हूँ मैं, देखिए बाहर भी मैं आम पत्ते का तोरण ऐसे लंबा सा बनाई हूँ पूरे गेट में, जैसा मेरा गेट है उसी में मैं लगा दी हूँ। बस सुंदर लगना चाहिए, दिवाली का माहौल बना होना चाहिए, बाद में नया गेट लगेगा। तो अब मैं तैयार होके आ गई हूँ, ये शाम का समय है, तो मैं पहले दिया जला लूँगी, उसके बाद फिर पूजा करने बैठूँगी। शाम का दिया जो 5:15 बजे बजता जलता है, वो मैं अभी जला लूँगी, उसके बाद फिर पूजा पे बैठूँगी। पूजा तो मैं सुबह ही कर ली हूँ, बस आरती करूँगी और भगवान जी के पास 5 दिया घी का जलाऊँगी। बाकी जगह पे मैं करंज तेल का दिया जलाऊँगी। तो देखिए, इन सब में मैं रुई बत्ती पहले ही कर ली थी, बस सब में तेल डाल ले रही हूँ, ताकि सारे दरवाजे पे दो दो करके दिया जलाऊंगी। फिर छत पे भी जलानी है, फिर बाहर रंगोली में भी जलाना है। और मेरा बेटा दोस्तों सारे दिए में इतना अच्छा से कलर कर दिया है, मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए तो मेरा छोटा बेटा शौर्य मेरा दिया में बहुत ही अच्छा से कलर किया है। आप सब देख सकते हैं, ये मेरा छोटा बेटा शौर्य सब दिए में कलर किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। मैं तो सोची थी कि इस बार मैं दिए में कलर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिल रहा था, सारा काम अकेले करना पड़ रहा था। हस्बैंड रहते हैं तो बहुत हेल्प कर देते हैं। तो देखिए, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, मैं सब में घी बत्ती कर ली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ रंगोली में दिया जलाने के लिए। और अभी रंगोली बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में, जब मैं ये रंगीन दिया रंगोली में लगा दूँगी। तो दोस्तों, पर्व त्यौहार में जब पूरा परिवार साथ होते हैं तभी पर्व त्यौहार में अच्छा लगता है। दिवाली में मेरे हस्बैंड हर साल मेरे साथ रहते थे, लेकिन इस साल उनको छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं आ पाए। अचानक से सुबह 10 बजे वो बोले कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। फिर सोची कि मैं दुखी हो जाऊँगी तो मेरे बच्चे भी दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं सारे कामों में लग गई। और वैसे भी दिवाली है तो सारे काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। आज के दिन लक्ष्मी माँ आती है, जिसके घर में सुख शांति होता है वहीं पे वो
अपने चरण रखती हैं वरना वापस चली जाती हैं। तो मैं देखिए कितने अच्छे से सब जगह दिया जला रही हूँ और अच्छे से सब कुछ मैं कर ली हूँ, लेकिन वो रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता। पर कोई बात नहीं, अगला साल हम सब साथ में मनाएंगे। तो यहाँ पे मैं रंगोली में आ गई हूँ दिया जलाने के लिए। देखिए मेरी रंगोली कितनी खूबसूरत लग रही है, उस पर भी ये रंगीन दिया और भी सुंदर लग रहा है। दोस्तों जितना मुझसे हो सका उतना मैं कर ली हूँ और बच्चे भी मेरे अभी खुश हैं। अभी इनके दोस्त लोग आएंगे, मेरे बच्चों के दोस्त, तो सबके साथ बच्चे लोग पटाखा फोड़ेगा, अनार फूलझड़ी सब छोड़ेगा। कुछ फूलझड़ियाँ वगैरह मैं भी छोड़ूंगी, अनार चुरचुरिया वगैरह। उसके बाद मुझे अभी खाना भी बनाना है क्योंकि मैं खाना रात का डिनर नहीं बनाई हूँ। तो पहले मैं सब जगह दिया जला लूँगी, अभी मैं छत पे भी दिया जलाऊँगी और घर के सारे दरवाजे पे मैं दिया जला ली हूँ। बाहर मेन गेट पे सबसे पहले ही जला ली हूँ एक लाइन से। उतना मैं बारीकी से सब नहीं दिखा पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बच्चों को भी बाहर अभी जाना है पटाखे फोड़ने के लिए। यहाँ बगल में ही नानी का घर बन रहा है तो वो पूरा बाउंड्री खाली है, तो वहीं पे बच्चे लोग सारे पटाखे मिल के फोड़ेंगे। साथ में मिल के पटाखे फोड़ने में बच्चों को भी अच्छा लगेगा और इन्जॉय करेगा बच्चा मेरा। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनवा रही हूँ और उधर में पीछे साइड भी मेरा एक गेट है, उधर मैं जा रही हूँ दिया जलाने के लिए। उधर नहीं जलाई थी, मुख्य दरवाजे पे जला ली थी। यहाँ पे मैं एक थाली दिया सक्षम को दी कि चलो मेरा मदद कर देना बेटा। तो ये बोल रहा है कि मम्मी मैं नहीं पकड़ पाऊँगा क्योंकि ये गर्म हो गया है। मैं भी एक साथ सारे दिए को जला दी हूँ, सोची कि इसके साथ फ़ोटो उटो खिंचाऊँगी, पर बच्चों का मन नहीं है खिंचाने का। देखिए यहाँ सॉरी को भी मैं बोली कि रुको फ़ोटो खींच देती हूँ, ये भी बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं खिंचाऊँगा। तो दोस्तों मैं वीडियो ही बना ली, कोई दिक्कत नहीं है, दो चार फ़ोटो मैं क्लिक कर ली हूँ। और यहाँ पे अभी इसके दोस्त नहीं आए इसलिए मैं बोली कि चलो रंगोली के पास एक वीडियो शूट करती हूँ तुम्हारा। तो देखिए तो फाइनली दोस्तों मैं सब जगह दिया जला ली हूँ और ये देख सकते हैं आप सब मेरा तोरण कितना खूबसूरत लग रहा है, जो कि मैं अपने हाथों से बनाई हूँ। चलिए मैं आप सबको बाहर दिखाती हूँ कि मेरा भाई कैसे लाइट्स वगैरह लगाया है और मेरी रंगोली कैसी लग रही है आप सबको देखने में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार रंगोली बनाई हूँ और मुझे तो अच्छी लग रही है, अब आप सबको कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। इससे पहले मैं रांची में रहती थी, वहाँ पे मैं 13 साल रही हूँ। ये मेरा एक साल बीत गया यहाँ देवघर में। तो वहाँ पे मेरी पड़ोसन आके बना देती थी रंगोली, यहाँ पे मैं खुद ही बनाई हूँ। तो देखिए लाइट्स वगैरह इस तरीके से लगाया है, चारों तरफ लगाया है और मेरा बाहर प्लास्टर नहीं हुआ है दोस्तों, इसीलिए उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर भी अच्छा ही लग रहा है। इधर मैं लाहर वाला पौधा लगाई थी, उन सब में भी लाइट्स लगवा दी हूँ, तो अच्छे ही लग रहे हैं। बाकी साफ़ सुथरा आप रखिएगा, जैसा भी हो जगह आप साफ़ सुथरा रखेंगे तो वो खूबसूरत ही लगते हैं दोस्तों। तो मेरी दीपावली तो हो चुकी है, अब चलती हूँ मैं पटाखे फोड़ने के लिए। यहाँ मैं बच्चों को कुछ नाश्ता करवा दी हूँ, अब मैं अपने बच्चों के साथ मिल के छुरछुरिया जलाऊँगी और अनार जलाऊँगी और इसके दोस्त भी आएंगे मेरे बेटे के। गाइस पटाखा फोड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा बेटा शुरू हो गया है पटाखे फोड़ने, यहाँ पे अनार जलाएगा, छुरछुरिया से ही जला ले रहा है अनार, इससे आसानी होती है जलाने में। और यहाँ पे मैं भी सॉरी के साथ छुरछुरिया और अनार दोनों जला रही हूँ। नीचे अनार रखे हुए हैं मेरे, छुरछुरिया से सटा देने के बाद ये तुरंत जल उठते हैं। तो दो चार मैं जला लूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाने के लिए चली जाऊँगी। बच्चे मेरे यहाँ अपने दोस्त के साथ खेलते रहेंगे। क्या हो रहा है शौर्य? ये देखिए खेलते हुए अनार कितना ऊंचा उसका ये गया। हाँ फिर भी छोटा है, इसके पापा लेके आते हैं तो बड़ा बड़ा साइज में रहता है अनार, तो बहुत देर तक वो होता है, ये उतना देर तक ऊंचा भी बहुत ज़्यादा जाता है उसका चिंगारी। छुरछुरिया भी अच्छा ही जल रहा है क्या? हाँ मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस अगर आपको दिवाली में मज़ा आता है तो कमेंट में यस लिखिएगा। मेरा छोटा बेटा सॉरी तो छुरछुरिया अनार चक्री फूलझड़ी ये सब जला ले रहा है और मिर्ची बम भी लाया है 2-3 पैकेट, तो वो सब ये फोड़ ले रहा है। लेकिन मेरा बेटा बड़ा बेटा सक्षम सिर्फ बम लेके आया है और बम के आवाज़ से मुझे बहुत ही एलर्जी होती है, एकदम
कान फटने लगता है, इसलिए मैं वो नहीं देखूंगी। ये बहुत सारा पैकेट बम ही लेके आया हुआ है। मेरा भैया टाइगर बम, ब्लैक कैट और बहुत सारा बम लाया। मुझे भी पता है, एक बगल में एक अंकल है, वो मुझे ना ब्लैक कैट और भी बहुत बम फोड़ने दिए थे और दो ठो रॉकेट भी फोड़ने दिए। तुम फोड़ लिया बम? हाँ फोड़ लिया, बहुत मजा आया। नहीं बम अभी नहीं फोड़ो, तुम अभी छोटा है ना। दिवाली दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना ये सब देखने में। हैप्पी दिवाली दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है मुझे। आप लोग को भी अगर मजा आता है तो जरूर। ये अनार तो यहाँ पे सारे दोस्त आ गए हैं मेरे बच्चों के। तो देखिए ये सब भी मेरे ही आंगन में सब पटाखे फोड़ रहे हैं, अनार छोड़ रहे हैं। पटाखे तो साइड में फोड़ेंगे क्योंकि मुझे बम से बहुत डर लगता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये करीब 10:30 रात की वीडियो है। तो रंगोली के सारे दिए बुत गए हैं, तो मैं दोबारा से 2-4 जला दूंगी। यहाँ पे मेरा बेटा सॉरी मिर्ची पटाखा छोड़ रहा है, तो मिर्ची पटाखा से मुझे डर नहीं लगता है क्या, इसलिए मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ। हाँ तो कर लो सब यूज। गाइस दिवाली में इतना मजा आ रहा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये बज रहे हैं रात के करीब 11:30 और मैं एक दिया और रख दे रही हूँ रंगोली के ऊपर और अब मैं सोने जाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लक्ष्मी माँ सबके घर आइएगा मैया, कृपा कीजिए सब पे माँ।